परम आदरणीय बंधुओं शांति बनाएंगे। महान कवियों ने एक कविता के माध्यम से मानव के लिए बहुत ही सुंदर चेतावनी दी है। आज का मानव कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा संत समाज, हमारे बुजुर्ग, हमारे शास्त्र कहते हैं पगले, कुछ बनने के लिए कुछ चीजों का त्यागन करना पड़ेगा और कुछ चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा। संत समाज ने संत वाणी में सुनेंगे क्या लिखा है। ये ज्ञानी बनन चाहे तो घमंड को दूर कर, कि ज्ञानी बनन चाहे तो घमंड को दूर कर, और धनी बनन चाहे तो धर्म को बढ़ाए जा। जीवनो चाहे तो जीवों पे दया कर, और जति बनन चाहे तो इंद्री बस में आए जा। भागनो चाहे तो भाग बुरे कर्म से, भागनो चाहे तो भाग बुरे कर्म से, और आमनो चाहे तो प्रभु की शरण आए जा। नाचनो चाहे तो नाच आगे श्याम के, और गामनो चाहे तो गोविंद गुण गाए जा। ऐसे गुण न मत गावे। अभी अभी हमारे फौजदार जी देखो शाम को कह रहे जब ते भूल गो हम होश में हो, फिर अब कह रहे जब ते भूल गो हम होश में हो। हम तो जो कह रहे तो कब होश होगा कोई पता ही ना पड़ रही। यहाँ के काम है चोरी, अब चोरी आ गई तो FIR है गई, FIR होगी तो परेशानी आनी। सरदारों देखो भोरी जात बता रहे हो तुम लोग ना, भोरी है ये कितना चाहला के जाते हैं। FIR है गई, दरोगा जी जीप लेके आ गए, सभी से पूछ रहे भैया किसी के पास कोई सुराग हो इस चोरी का। सबने मना कर दिया, अब हमें का सुराग है आपको, ये तो तुम जानो कैसे खोलेंगे हमारी चोरी है। सब त्याग आ गए शिव सिंह मुँह पे सुराग। दरोगा जी बोले तो बता क्या किसने किए चोरी, चलो मेरे संग ले गो। बीच लाए में के पार दे जाड़े के दिन सुबह ही सुबह आ गए दरोगा जी। अब तुम जाने कितनी ओस, पूरी ड्रेस पुलिस वाले ने की लत फते गई पानी दे सर्राटो चले जाड़े के मारे। दरोगा जी के बता भाई बता किसने कहा कि ये चोरी कहाँ ले जा रहा तू, आ जाओ पक्को सुराग दंगो पक्को। 1 किलोमीटर निकल गो, एक चौकी सी मेड़ आ गई। मां जाके दरोगा जी बोले अब तो बता, सुनो पक्को सुराग, मानो चाहे मत मानो, इस चोरी तो कौन कौन चोट नहीं करेगी। ऐसा चालाक जाते हैं भोरी मत समझो तुम। हमारे परम पिता भगवान श्री राम के अंदर कितनी महान शक्ति है। कुछ झगड़े भी होते हैं इन पर, आर्य समाज वाले कहते मूर्ति पूजा मत करो, और हम तो भैया मूर्ति पूजा के ही अनुयायी हैं। लेकिन एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने पेश करूंगा रामायण से संबंधित। जिस समय मां सीता की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई करते ने समुद्र पर सेतु बनाया नल और नील की सहायता से, वो सारा करिश्मा रावण के गुप्तचर देख रहे थे, जैसे आज की सुरक्षा एजेंसियां कि पत्थर पानी में तैर रहे। लंका पहुंच गए, हाथ जोड़ करके कहा लंकेश, इस बार का संग्राम, इस बार की लड़ाई किसी मानव से नहीं हो रही, एक जादूगर से हो रही है, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है। रावण ने कहा बक क्या रहे हो, सत्य कह रहे लंकेश, हमने आंखों से देखा। सुनिए वो राक्षस क्या कह रहे बेटा, सुनिए के दृष्टांत। जितने पत्थर डाले वो जितने पत्थर डाले वो जितने पत्थर वो जितने पत्थर डाले तैर गए पानी में जितने पत्थर डाले जितने पत्थर डाले। महाराज आंखों से देखा है बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े भूटा जल में तैर रहे थे, लेकिन क्या कहा जादूगर का जादू स्वामी नहीं समझ में आया। जादूगर का जादू स्वामी नहीं समझ में आया। पत्थर के टुकड़ों से उसने सुंदर सेतु बनाया। पत्थर के टुकड़ों से उसने सुंदर सेतु बनाया। पंडित रोहिताश डीजे साउंड जनु धर्मालों की तरफ से एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिए हमारे पंडित जी का। देखो जो बड़े ताज्जुब की बात है, हाँ तो बात कट गई साहब। निमित्त जी कह रहा शाम के काम के अंदर 100 रुपये ना दिए करो बस पंडित जी देते चलो होली तो बन गई, लेकिन ये 100 रुपये का पुरस्कार हाकिम सिंह जी नेताजी बार बार धन्यवाद। लेकिन देखा शब्द रावण ने सुना पर मादर बंधु रावण विचार कर रहा है आज राम के कारनामों से मेरी सेना भयभीत हो रही है, मुझे कुछ न कुछ करिश्मा करना होगा। एक शब्द बोल दिया रावण ने, क्या कह दिया ऐसा खेल मुझे भी आता रावण बोला ये जादू तो मेरे से भी आता है। ऐसा खेल मुझे भी आता रावण बोला पानी फूंक मार के पत्थर डाला डूब सका ना पानी फूंक मार के पत्थर डाला डूब सका ना पानी। जैसे ही लंकेश ने कहा यह जादू तो मैं भी जानता हूँ, राक्षसों ने कहा तो प्रभो करके दिखा दीजिए। रावण ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया एक फूंक मारी वो पत्थर पानी में तैरने लगा। काट सके ना मेरा जादू बेटा काट सके ना मेरा जादू वो कितना जोर लगा ले तैर गए पानी में तैर गए पानी में जितने पत्थर डाले वो जितने पत्थर डाले तैर गए पानी में। मजाक से थोड़े तालियां बजा दी, लेकिन ये सारा करिश्मा रानी मंदोदरी ने देख लिया। रात्रि को रावण सैन कच्छ में पहुंचा, मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। पतिदेव, आज जो दरबार में आपने जादू दिखाया बहुत ही अच्छा जादू था, लेकिन वो जादू क्या था? अब रावण एक झूठ को छुपाने के लिए फिर झूठ बोल रहा है, रानी मेरे से जादू आता है। कोई जादू नहीं आता पतिदेव, सारा जीवन आपके साथ मेरा व्यतीत हो गया, आज तक कोई जादू मैंने तो देखा नहीं, आज जादू कहां से आ गया? अब रावण पकड़ में आ गया। अब सत रात को कह रहा है मंदोदरी, मेरे से वाकई कोई जादू नहीं आता। वो पत्थर पानी में कैसे तैरा, सुनिए क्या बोला। धानुषी का मैंने पत्थर हाथ उठाया, हे मंदोदरी, जिस राम के नाम से पत्थर समुद्र में तैर रहे थे, जिस भगवान के नाम से समुद्र पुल बन रहा था, उसी राम का ध्यान मैंने दिल के अंदर रखा, स्मरण अपने मन में किया। क्या हुआ? के धानुषी का मैंने पत्थर हाथ उठाया, है सौगंध, है सौगंध राम की कह के पानी में तैराया, है सौगंध राम की कह के पानी में तैराया। और उस पत्थर के टुकड़े से कह दिया, तुझे करे राम की सौगंध, आज अगर तू पानी में नहीं तेरा तो मेरे अंदर से तेरे राम का भरोसा समाप्त हो जाए। परम आदरणीय बंधुओं, अब मंदोदरी ने फिर हाथ पकड़ लिया। पतिदेव, अब तो आपने अपने हाथों से करिश्मा करके देख लीजिए, अब भी वक्त है इस परिवार को बचा लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। चले जाइए प्रभु की शरण में, वो कितना शक्तिमान है भगवान राम। क्या कहा?